हमारा जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है वो बाकी है, आज वो शुरू कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम लेंगे, फिर हम 12 चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो डेविजन एंड गर्मर ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से ऐसा डिफाइन कर लिया था, इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक एज ए वेव नेचर। अब आप बोलोगे तो आपको कैसे पता चला कि ये वेव नेचर है? तो उसमें पहले ये हुआ कि ये लोग एक प्रैक्टिकल कर रहे थे, वो प्रैक्टिकल डिफ्रैक्शन ऑफ ग्रेटिंग का था। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन किसकी फिनोमिना है? वेव नेचर की। उस टाइम पे जो उन्होंने जो क्रिस्टल रखा था वो निकल का था, और निकल का जो क्रिस्टल था वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में उन्होंने क्या किया था, उस टाइम की क्या गलती हो गई, उससे उनको क्या बेनिफिट हुआ। तब तो उसको पता चला कि इलेक्ट्रॉन ऑल्सो बिहेव लाइक एज ए वेव नेचर। तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आपको दिखा रहा हूं। अब मैं आपको पूरा समझा सकता हूँ, आपको पहले समझना है। तो यहाँ पे ना लो टेंशन बैटरी है,
लो टेंशन बैटरी से ये फिलामेंट है हीट होगा, फिलामेंट हीट होने के कारण वहां से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट वे सीधा ही जाना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ हाई टेंशन बैटरी वी क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी नहीं ये लो वोल्टेज ये हाई वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग फ्रॉम द जहां पे कोलिजन आफ्टर स्कैटरिंग विद द निकल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो मूव होता है ना इट विल बी रेडियली आउटवर्ड और रेडियल इनवर्ड, यानी ये स्ट्रेट वे मोशन करेगा, आफ्टर ड्यू टू द एक्सेलरेटेड मोशन इट डज नॉट मूव। मेरी मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? सर तो हमारा नेचुरल ग्लोबल वेब्स कट है। ओके चालू कर, आपका नेटवर्क स्लो बता रहा है सर यहाँ पे, ऐसा है? हाँ सर पीसी में दिख रहा है। ओके अब कैसा है, सुनाई दे रहा है? अभी भी लो बता रहा है? सुनाई दे रहे सर, क्लियर है सर। ओके ठीक है, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं वापस। ओके अभी आपको समझना है ये ना फिलामेंट है, फिलामेंट को हमने लो टेंशन बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, यहाँ हाई टेंशन बैटरी है यानी तीन चार बैटरी कनेक्ट करके बनाया है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, it will be moving with the accelerated motion or it will be traveling nickel target. अब nickel target के साथ उसका scattering होगा, उसके बाद ये deflect होगा। तो हमने जो movable collector रखा है वो movable है, अब हम कहाँ पे भी रख सकते हैं। उसके साथ हमने galvanometer रखा है जिससे जितने amount of electron आ रहा है वो हम calculate करना चाहते हैं। Different scattering angle पे different amount of angle पे different नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी स्कैटर। तो हम क्या करेंगे, पहले 30 डिग्री पे रखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फिर वापस उसको 20 पे रखेंगे, फिर 15 पे रखेंगे, तो ऐसे स्कैटर एंगल पे कितने इलेक्ट्रॉन स्कैटर होके आ रहे हैं वो अभी स्टडी चल रहा है।
और ये इलेक्ट्रॉन जब मोशन करे ना तो किसी के साथ कोलाइड न होना, इसलिए ये पूरा चैम्बर इवैक्यूएटेड बना है। इवैक्यूएटेड चैम्बर के लिए हमने एयर एब्जॉर्ब करना है अंदर से। उस टाइम पे ऐसा हुआ, ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया ना तो ये निकल टूट गया, और निकल टूट गया ना तो उन्होंने क्या किया, निकल को जो भी टुकड़े हुए थे ना उनको वापस एक बार हीट किया, और हीट करके वापस उसको बैरियम ऑक्साइड कोटिंग लगा दिया, फिर वापस एक्सपेरिमेंट शुरू किया, तो उनको डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट मिले। वो रिजल्ट हमें देखना है। तो ये हाई टेंशन बैटरी है, हाई टेंशन से हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, और जो लो टेंशन से ये हमारी जो वो बोला जाता है मेटल का जो स्ट्रिप है, यानी उसको हम बोलते हैं वो सर्किट में यूज करते हैं ना, जैसे फिलामेंट है, यस फिलामेंट, इट विल बी कॉल्ड एज अ फिलामेंट, और फिलामेंट को हम हीट करेंगे, थर्मियोनिक एमिशन होगा, और थर्मियोनिक एमिशन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे एक्सेलरेटेड मोशन करेंगे, और एक्सेलरेटेड मोशन क्यों करेंगे, बिकॉज इट विल बी लाइक एज अ पॉजिटिव टर्मिनल, तो हमने उसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया हाई टेंशन बैटरी के साथ, तो वो अट्रैक्ट होंगे उसको निकल बैरियम के साथ, बैरियम ऑक्साइड उसका लेयर है, इट विल बी कोटिंग विद द बैरियम ऑक्साइड, और ये आपका जो क्रिस्टल है वो निकल क्रिस्टल है, निकल टारगेट है, और वहां से इलेक्ट्रॉन स्कैटर होकर आपके पास आए। अभी दो तीन चीज आपको अच्छी तरह समझनी है, ये प्रैक्टिकल हुआ ना तो ये स्कैटर एंगल के बारे में, इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्रैक्टेड एंगल जो है उसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम स्कैटर एंगल बोलते हैं। स्कैटरिंग एंगल वैरी करके वो लोग का स्टडी ये था कि डिफरेंट स्कैटर एंगल पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, उन्होंने उसके लिए ग्राफ तैयार कर दिया था, तो अभी हम ग्राफ देखेंगे। तो ये उसकी अरेंजमेंट है, और ये पूरा इवैक्यूएटेड चैम्बर है, यानी जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना तो उनका किसी के साथ कोलिजन नहीं हुआ, इट विल बी मोर टुवर्ड्स डायरेक्टली टारगेट, एंड इट विल बी एक्सेलरेटेड आफ्टर स्कैटरिंग, इट विल बी डायरेक्टली मोर टू द कलेक्टर रीच। We can easily measure the number of electron because I equal to Q by D है और Q equal to N by D है, तो हम number of electron count कर सकते हैं current से कि कितने amount of electron scatter हो रहे हैं। तो ये हमें study करना था, तो पहले ये read करना पड़ेगा। तो first point, the wave nature of electron. The wave nature of electron was first experimentally verified by C.J. Davison and L.H. Germer in 1927 and G.P. Thomson in 1928. Davison and Thomson shared Nobel Prize in 1937 for their experimental discovery of diffraction of electrons by crystals. Experimental arrangement. Figure shows schematic arrangement of Davison and Germer experiment. It consists of an electron gun which comprises of tungsten filament F coated with barium oxide and heated by a low voltage. Tungsten ki filament hai, usko low tension battery ke sath connect kiya. Aage? By low voltage power supply, filament is heated by passing current through LT battery. When filament is heated due to thermionic emission, electrons are emitted which are accelerated by HT battery to a desired velocity. तो इसको बोला जाता है थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक मेटल हीट होने के कारण वहां से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं, इज नोन एज अ थर्मियोनिक एमिशन। यहां पे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज नहीं किया। आगे दिस इलेक्ट्रॉन इससे यहां पे हमने हाई टेंशन बैटरी का पोटेंशियल लगाया, यानी नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होगा, इट विल बी मोर स्ट्रेट लाइन। और दूसरा है, जब यहाँ पे निकल टारगेट पे कोलाइड होगा ना तो उसका बैरियम कोटिंग रखा हुआ है जिससे ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट कोलाइड होकर वापस आ जाएगा, जहां भी आने वाला है वहां, यानी अंदर मेटल की ओर नहीं जाएगा, कोटिंग के साथ कोलाइड होकर वापस आ जाएगा, इट विल बी मोर स्ट्रेट लाइन एंड देयरफॉर वी कोटिंग विद बैरियम ऑक्साइड। बैरियम ऑक्साइड का हम कोटिंग करते हैं ना तो ये सरफेस स्मूथ हो जाता है और इट विल बी मूव डायरेक्टली, जैसे वो डिफ्रैक्ट होता है तो डिफ्रैक्शन उसका डिफरेंट एंगल पे होना चाहिए, तो जो एंगल पे खड़े हैं मेजोरिटी वहां पे ही आएगा, यानी डिफरेंट एंगल में स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा नहीं होगा मूवेबल
अनरिफ्लेक्टेड ऐसे मूव होके वापस आएगा, वैसा नहीं हुआ. इट विल बी मूव स्ट्रेट लाइन एंड देयरफॉर वी कवर कोटेड विद बैरियम ऑक्साइड. आगे These electrons are made to pass through a cylinder with fine holes along its axis, producing a fine collimated beam. The beam is made to fall on the surface of this crystal. Electrons are scattered in all directions by atom of crystals. The intensity of electron beams scattered in given direction is measured by electron detector collector. The detector can be moved on a circular scale and it is connected with sensitive galvanometer which records current. The deflection of the ये ऐसा है मूवेबल है और उसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे ना, इट विल बी मेजर विद हेल्प ऑफ करंट एंड आल्सो वी आर मेजरिंग द इलेक्ट्रॉन विद हेल्प ऑफ इक्वेशन. ये इक्वेशन से हम काउंट कर सकते हैं तो आई इक्वल टू एनी बाय डी एंड देयरफॉर एनी इक्वल टू आईडी बाय डी. आगे The deflection of the galvanometer is proportional to the intensity of the electron beam entering the collector. The apparatus is enclosed in an evacuated chamber. 29. Explain method of Davison and German experiment and its result. In Davison and German experiment, by moving the detector on circular scale at different position, angle between incident beam and scattered beam is called angle of scattering, that is theta. For different accelerating scatter हो रहा है, उसके बीच का जो angle होता है ना, उसको scatter angle बोलते हैं, scattering angle theta. आगे For different accelerating voltage V and different scattering angle theta, intensity of scattered electrons beam is measured. The experiment was performed by varying accelerating voltage from 44 to 68 volt. It was noted that voltage रखे हैं यहाँ पे, वो करीब 44 रेंज से शुरू हो रहे हैं और 54 तक जा रहे हैं, यानी करीब 44 to 68 volt के बीच में voltage vary कर रहे हैं. तो याद रखना है वोल्टेज वेरी विद 44 टू 68 हो रहा है. तो अभी मैं ना उसका एक ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ. याद रखना ये थर्मियोनिक एमिशन है और ये इलेक्ट्रॉन स्टेट में इट विल बी कोलाइड विद द निकल टारगेट एंड इट विल बी स्कैटर एंड इलेक्ट्रॉन कैन बी मूव टुवर्ड्स द कलेक्टर रीजन. और दूसरा चीज ये है, ये लो टेंशन से इन करना है, हाई टेंशन से पोटेंशियल क्रिएट करना है. तो मैं आपको इक्वेशन यहाँ दिखा देता हूँ. Due to the potential difference, the electron can move with the kinetic energy. So, according to stopping potential definition, EV equal to 1/2 mv². ये तो आपको मालूम है. अभी मैं यहाँ पे m से मल्टीप्लाई करूंगा, m से डिवाइड करूंगा. तो मैंने क्या किया, m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया. तो यहाँ पे EV equal v² / 2m होगा. Because P equal to mv and therefore we write P² equal to 2mv or P equal to under root of 2mev. तो ये आपका potential में आ गया. अभी deep locking wavelength lambda equal to h/p होती है, तो P is under root of 2mev. तो ये आपका lambda आ जाएगा. ऐसे आप वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन कर सकते हैं. तो अभी ये इक्वेशन आप लिख लो. अभी मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, बाद में उसमें वैल्यू पुट अप करूंगा. तो ये पता चला आपको, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन मूव विद काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एंड देयरफॉर वी राइट ev इज 1/2 mv². नाउ वी मल्टीप्लाई बाय m डिवाइड बाय m एंड देयरफॉर वी राइट m² v² / 2m, but it is known as a p² / 2m, and therefore p² is 2mev, and therefore p is √2mev. ये हमने पहले लिखे थे प्रॉब्लम में, अभी आज डेराइव हो गया, अभी हम यूज करने वाले हैं. तो नाउ हियर वी स्टार्ट. डिफरेंट हमने जो मेजर किया. सर बैक मिनट. ओके
चलो सबका हो गया। प्राची यस सर। ओके उसने जो एक्सपेरिमेंटल मेजर किया था वो वैल्यू है। ये करीब स्कैटर एंगल था थीटा, उसके लिए 44 वोल्ट था। उसके बाद उसने 48 के लिए लिया था और उसके बाद ये करीब स्कैटर एंगल था वो 50 डिग्री था और पोटेंशियल था 54 वोल्ट। तो सबसे अच्छा पीक उसको 54 वोल्ट पे मिला, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो रहे थे 54 वोल्ट पे और 50 डिग्री पे उसको मिले। उसने बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ किए पर उसको अच्छा रिजल्ट, पीक वाला रिजल्ट उसको 54 वोल्ट और स्कैटर एंगल इस 50 डिग्री पे मिला। अभी आपके पास लैम्डा इक्वल एच अंडर रूट ऑफ 2 MeV था, तो यहाँ पे पोटेंशियल 54 वोल्ट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³¹, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 MeV है, एच इज 6.62 × 10⁻³¹। ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻³¹, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻¹⁹ और वोल्टेज हमारे पास 54 वोल्ट। तो लैम्डा इज, अभी हम सबकी वैल्यू पुट अप करेंगे, तो ये आपका 6.62 × 10⁻³¹, तो ये आपका 18.2 1931 is a 50 और 50 का अंडर रूट आएगा 25 और ये उसका रूट कितना आ रहा है शिवराज, ये वाली वैल्यू का 39.6545। अभी उसको डिवाइड करना है 0.1670 अब मैंने कहा ये आपका वेवलेंथ आ रहा है 167 nm और इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ बन रहा था वो 165 nm बन रहा था, यानी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बराबर हुआ तब हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन हियर बिहेवियर के से वेव नेचर। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ इज 0.16 और हमने जो वैल्यू पुट अप की पोटेंशियल की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थियोरेटिकल वैल्यू हमें 0.16 यानी दोनों का एजम्पशन सेम बन रहा था, उससे ये पता चला कि सम टाइम इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक एज ए वेव नेचर। तभी हमें प्रूव होगा कि अभी इलेक्ट्रॉन किसी प्लेस पे वेव नेचर होता है और किसी नेचर में वो पार्टिकल नेचर में भी होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो रहा है तो वो वेव नेचर में है, ये हमने यहाँ वैल्यू पुट अप करके गेन कर लिया। तो ये मेन था आपका, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? प्री पता चल रहा है? यस सर। लोकेश कौन से अंकित तू बोल सकता है? ओके पहले है ना ये लोग डिफ्रैक्शन का स्टडी कर रहे थे निकल को लेकर,
और उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे थे, तो कोई इलेक्ट्रॉन को ऐसा बोल रहा था कि वो पार्टिकल नेचर में, अभी ये लोग बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन वेव लाइक एज अ वेव नेचर। तो आपको ये तो पूरा प्रूव करना पड़ेगा कि वेव नेचर है। अभी वेव नेचर है तो उसकी वेवलेंथ ऐसी होनी चाहिए कि मेजरेबल हो। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास है 9.1 × −31 kg। ये −31 kg इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू कंपेयर टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ बड़ी है नैनोमीटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में, बिकॉज वेवलेंथ इज लार्ज कंपेयर टू इट्स मास। तो ये प्रूव करना था कि ऐसा कहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 44 टू 68 वोल्ट का पोटेंशियल रखा। पहले 44 रखने का, 100 डिग्री पे कितने इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो रहे वो मेजर करने का, उसका पीक बनाने का, फिर वापस 44 की जगह पे 46 वोल्ट का, फिर वापस ये सब मेजर करने का, ऐसा वापस दो तीन बार हर एक एक्सपेरिमेंट करने का। और उस टाइम पे उसको मैक्सिमम पीक करीब 54 वोल्ट पे मिली थी, और उसके टाइम स्कैटर एंगल उसके पास 50 डिग्री था, तब लैम्डा इक्वल टू एच अंडर रूट ऑफ एमईवी था। तो वो सब वैल्यू पुट अप करके उसने ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वेव नेचर की तरह होता है। और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई ना, वो थियोरिटिकल वैल्यू के साथ मैच हो रही, इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिला। पता चला, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यस, वेवलेंथ इज मोर एंड मास इज लेस। इफ वेवलेंथ इज अ वेव नेचर, सपोज मास इज लार्ज एंड वेवलेंथ इज स्मॉल, देन इट इज अ पार्टिकल नेचर। अभी हमारा वेट 60 केजी है, रखो आपको वेवलेंथ मिलेगी बहुत छोटी, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, पी एम बी, और हमारी वेलोसिटी तो कम होती है। हम अकेले गाड़ी में नहीं, आप दौड़ो 50 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, और रख दो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी वेवलेंथ कितनी छोटी मिल रही, करीब 32 मिलेगी, 10^-31। और 10^-31 है और हमारा मास 60 है, यानी हमारा वॉल्यूम ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ। इसलिए हम पार्टिकल नेचर में हम सबको दिखते हैं कि कहाँ पे है ये सब, इसलिए ये पार्टिकल नेचर। ये चैप्टर का अंत नहीं है, उसके बाद बहुत सारा रिसर्च हुआ, बाद में डिसीजन लेना पड़ा कि जिसकी पोजीशन हम मिलती है उसको हम पार्टिकल बोलेंगे, जिसकी पोजीशन हमें परफेक्टली नहीं मिलेगी उसको हम वेव नेचर। यानी दोनों को मिक्स करना अच्छी बात नहीं। कभी हम वेव नेचर से स्टडी करते हैं तो हमें दूसरे की बात नहीं करते वैसा, तो वो सब हमारे सिलेबस में नहीं। अभी हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। पता चला नील सर? हाँ बोल बगा सर। ये डिफ्रेक्शन तो सर निकला? हाँ डिफ्रेक्शन पे, अने डिफ्रेक्शन डाले वेव नेचर नहीं हुआ, डिफ्रेक्शन इंटरफेरेंस अने पोलराइजेशन एक ही पैटर्न है, वेवलेंथ इज अ वेव नेचर, એટલે તો આપણે વેવલેન્થ ડિફાઈન કરી છે। તો જે સ્કેટર થાય છે, કોણ સ્કેટર થાય છે? ઇલેક્ટ્રોન। તો તમે કોનો સ્ટડી કરો છો? ઇલેક્ટ્રોન, કારણ કે થર્મિયોનિક એમિશન કેન બી અકર ફોર ઇલેક્ટ્રોન એન્ડ ઇટ વિલ બી કોલાઇડ વિથ અ નિકલ ક્રિસ્ટલ, તો ઇટ વિલ બી સ્કેટર, આફ્ટર સ્કેટરિંગ ઇટ વિલ બી રીબેક એન્ડ વી આર મેઝરિંગ ધ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન। તો હમ કિસકા સ્ટડી કર રહે? ઇલેક્ટ્રોન કા। તો ઇલેક્ટ્રોન કા કેસા નેચર હો? વેવલેન્થ વાલા। तो वो क्या होगा? डिसवेव नेचर। पता चला जमीन? यस सर। ओके, तो ये लिखना है कि चलेगा? थैंक यू सर। सर लेफ्ट साइड करो ना बोर्ड। ओके It was noted that a strong bit
peak appeared in intensity of the scattered electron for accelerating voltage of 54 volt and scattering angle at theta is equal to 50 degree. This suggests that number of electrons scattered is maximum. Let stationary electrons is accelerated by volt V. Its kinetic energy is K is equal to EV. Therefore, 1/2 mv² is equal to EV. Therefore, 1/2 m² v² / m is equal to EV. Therefore, p² / 2m is equal to EV. And p is equal to √2m eV. Wavelength of matter wave electron, lambda is equal to h/p. Therefore, lambda is equal to h upon √2m eV. Therefore, lambda is equal to 1.227 / √2v. Theoretical value of wavelength of electron is 0.165 nanometer and experimental value obtained is 0.167 nanometer, which are almost same. Here, V is equal to 54 volt. Thus, in this experiment, there is excellent agreement between the theoretical value and experimentally obtained value of de Broglie's wavelength. Recently, by double slit experiment, wave nature of light was demonstrated. In 1994, interference fringes were obtained with the beam of iodine molecules, which are obtained, which are about a million times more massive than electron. In electron microscope, wave nature of electrons is used. Okay, electron microscope mein wave nature humne dekha tha aage. Thank you, sir. Theory pati gayi. Okay, ab hum shuru kar rahe problem jo baki hai. To hamara 15 tak hua tha last mein. Last 15. Okay, abhi 4 problem baki hai. 4 problem khatam kar dete. Okay. तो अभी शुरू करें 11.16 चलो अभी 11.16 An electron and a photon each have a wavelength of 1 nanometer. Find A, their momenta, B, the energy of the photon, and C, the kinetic energy of the electron. Momenta of photon. B, energy of the photon. Energy of photon. And kinetic energy of electron. So, and kinetic energy of electron. Electron. Okay. कभी भी आपको है ना photon का है ना mass नहीं आना चाहिए energy कभी आप mv square नहीं लिख सकते mv square by अभी मैं आपको momentum of photon तो 1 nanometer 10^-9 momentum of photon P equal to H by lambda and lambda equal to H by D. So H is 6.63 and हमें moment का define करना है. तो lambda की value है 1 × 10^-9. तो ये हमारा moment का 6.63 × 10^-9 -25 हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड इसे मोमेंट है तो ये मोमेंट ऑफ फोटोन है आ रहा है ऐसा कुछ मोमेंट ऑफ फोटोन यस सर अभी आप है ना एनर्जी ऑफ फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच माने एफ इक्वल टू सी बाय लैम्डा बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी is c by lambda abhi hum energy h is 6.63 10^-34 c is the speed of light